दौसा के सूरजपुरा गांव में महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने राजकीय विद्यालय में जल मंदिर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी सरकार गिराने की नाकाम कोशिश की जा रही है। हमारे सभी विधायक एकजुट हैं और मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। उन्होंने बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप भी लगाए। वास्तव में जो समाज के लिए जरूरतमंद काम है, उन सब कामों को अपने पिता अपने परिवार की स्मृतियों के अंदर अगर हम करें तो गांव में बहुत से ऐसे नवाचार हो सकते हैं जिनकी उन गांवों को जरूरत होती है। इसलिए मैं आह्वान करना चाहूंगी कि जो लोग फिजूल खर्ची के ऊपर अपने परिवार का पैसा बर्बाद करते हैं, अपने परिवार का हक का, अपने बच्चों के अधिकारों का पैसा खराब करते हैं, वो फिजूल खर्ची से रोकें और समाज के अंदर नवाचार करने का प्रयास करें। कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी हमारे भामाशाहों ने, बहुत से हजारों लाखों भामाशाहों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान के ऊपर उन्होंने एक टैग लाइन हमें राजस्थान में दी कि कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए। इस एक उनके आह्वान पे राजस्थान के लाखों भामाशाह आगे आए और उन्होंने राजस्थान की जरूरतमंद जनता को संभाला। मैं उनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगी और दौसा जिले के सभी साथियों का भी, खासतौर से सिकराय विधानसभा क्षेत्र के साथियों का, जिन्होंने इस बीमारी के अंदर हर मुद्दे पे, हर परेशानी में वो मुस्तैद रहे, जहाँ जरूरत थी जहाँ।